दोस्तों, यूं तो हम कहने को कह देते हैं कि हमारे शरीर का हर एक हिस्सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब कुदरत किसी को जरूरत से ज्यादा कुछ चीजें दे देता है तो वो चीजें उसके लिए बोझ बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट वाले इंसानों से मिलवाने वाले हैं जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे, इसीलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नंबर वन, चाइनीज ग्रैंड मदर हॉर्न। दोस्तों, सबसे पहले मिलिए आप इस चाइनीज महिला से जो कि चाइना की रहने वाली है। ये एक बुजुर्ग महिला है जिनके सर पर सींह निकलने लग गए हैं। जी हाँ, इनकी उम्र जब 45 साल की थी तभी से उनके सिर के आगे की तरफ से सींह निकलने लग गए, जिसे देख गांव के सभी लोग घबरा गए, जिनकी वजह से उन्हें लगा कि शायद ये किसी भूत प्रेत का साया है। इसीलिए गांव वालों ने उस महिला को गांव से बाहर निकालने का फैसला किया, लेकिन उस महिला ने गांव वालों को समझाया कि ये कोई भूत प्रेत नहीं है बल्कि वो बीमार है, तब जाकर वो उस गांव में रह सकी। लेकिन मानना पड़ेगा कि ये महिला वाकई में काफी ज्यादा हिम्मत वाली है, और हम आपको बता दें कि इस महिला के सर के दूसरी तरफ भी सींह निकल रहे हैं और ये अपनी दूसरी सींग को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। मगर साथियों, ये एक बहुत ही अजीब बीमारी है जिसकी वजह से उनके सर पर सींग निकलने लग गए। नंबर टू, सिक्स, लक्ष्मी तात्मा। साथियों, अब मिलिए इस बच्ची से जिसे इस गांव के लोग माता लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। आप खुद देख लीजिए, इस बच्ची के 6 पैर हैं, इसीलिए पूरा गांव इस बच्चे की पूजा करता है, इसीलिए इस बच्चे का नाम भी लक्ष्मी रख दिया गया है। लेकिन अपने पैरों की वजह से ज्यादातर वो बीमार ही रहने लगी। साथ ही एक डॉक्टर की नजर उस बच्ची पर पड़ी तो उन्होंने बताया कि इसका इलाज करना पड़ेगा। उसका भी समय आया जब लक्ष्मी का ऑपरेशन किया गया। 30 डॉक्टरों की एक टीम ने इस ऑपरेशन को किया और ये ऑपरेशन 27 घंटों तक चला। एक मैराथन ऑपरेशन के द्वारा इस बच्ची को एक नई जिंदगी दी गई और अब ये बच्ची बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह चलने फिरने लग जाएंगी। नंबर 3, एक्स्ट्रा लिम्स दीपक। साथियों, अब जरा आप इस बच्चे को देखिए। इस बच्चे का नाम है दीपक, जो कि बिहार का रहने वाला है। इस बच्चे के पेट में 2 पैर हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। गांव में अक्सर बच्चे दीपक को परेशान ही करते रहते हैं। वहीं गांव के कुछ लोग उसे भगवान का चमत्कार भी मानते हैं। उनका मानना है कि विष्णु भगवान का ये एक अवतार है। इसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं। एक डॉक्टर ने जब दीपक को देखा तो उन्होंने कहा कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें करीब 50 लाख तक का खर्च आएगा। अब एक मजदूर परिवार के लिए ये रकम किसी सपने से कम नहीं। इस परिवार ने उम्मीद तो खो दी, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेंगलुरु के एक बड़े हॉस्पिटल को इनके बारे में पता चला तो उन्होंने दीपक का ऑपरेशन फ्री में करने का फैसला किया। उन्होंने उसके ऑपरेशन से लेकर दवा तक का सारा खर्चा खुद ही उठाया, जो कि करीब 50 लाख के आसपास बना। आज दीपक एक नॉर्मल बच्चे की तरह खेल कूद सकता है। अब उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। नंबर 4, मैन विद 2 पेनिस। साथियों, अब आप इसे देखकर पूरी तरह से हैरान होने वाले हैं। एक अमेरिकन व्यक्ति ने अपने बारे में एक खुलासा किया कि उसके 2 लिंग हैं। ये बात उसने 2014 में सबके सामने रखी। उसने ये बात इस शर्त पर बताई कि उसकी पहचान को गुप्त रखा जाए। ये बहुत ही अनोखी बात है कि किसी के 2 पेनिस यानी कि 2 लिंग हो सकते हैं। मगर एक डॉक्टर ने बताया कि ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता भी है, मगर शर्म के कारण इस बात का खुलासा कोई भी नहीं करता। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक ऐसे 100 से भी ज्यादा पुरुषों को इलाज किया जा चुका है जिनके 2 पेनिस थे। उन्होंने अपना एक पेनिस निकलवा दिया और अब वे एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इस अमेरिकन व्यक्ति ने बताया कि उनकी कंडीशन काफी अलग। उनके 2 पेनिस बिल्कुल ठीक थे। उसे पॉर्न इंडस्ट्री में भी जाने का ऑफर मिला, मगर उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें ये प्रोफेशन पसंद ही नहीं था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, साथ ही आपकी क्या राय है इन सब के प्रति, आज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।